हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया गैजेट जो कि है मेगासोनिक एंड्रॉयड स्टीरियो, जो कि मैंने अपनी गाड़ी में नया नया अभी इंस्टॉल करवाया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करवाया है। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी क्वालिटी के बारे में और इसकी परफॉर्मेंस, और मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा कि अगर आप अपनी गाड़ी में लगवाना चाहते हो एंड्रॉयड स्टीरियो तो ये कैसा परफॉर्म करता है। तो इसका मैं प्राइस भी एंड वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टीरियो को कर लेता हूँ। तो गाइस, ऐसे कुछ ये होता है स्टार्ट। तो मैंने इसका जो लोगो है वो मैंने खुद डिज़ाइन करा है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं अगली वीडियो में आपको लोगो भी बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं इसका, और काफ़ी इसकी सेटिंग्स हैं, मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा पूरी। तो चलिए, जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक इसकी बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो ये कुछ आपको जो मेगासोनिक का एंड्रॉयड स्टीरियो है तो ये आपको मिल जाता है 9 इंच की स्क्रीन के साथ मिल जाता है आपको, और इसके आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है, और इसमें आपको एक एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इधर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जल्दी से देख लेते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉयड 11 का है, CPU क्वाड कोर है, रैम इसकी 1 GB और 2 GB EDR, और रोम इसकी है 16 GB ये 32 GB, और रेजोल्यूशन है इसके 1024x720, और ऐसे ही इसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हो, काफ़ी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस एंड्रॉयड सिस्टम की। तो ये देखने में काफ़ी, इसकी जो स्क्रीन है जो 9 इंच के में आती है तो काफ़ी आपको प्रीमियम लुक शो करती है। इसके टच के बारे में बात करूँ तो टच भी इसकी काफ़ी स्मूथ है, और इसमें आपको एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि माइक को कहाँ पर लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेरिंग के बिल्कुल नीचे माइक को लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसको आपको मोबाइल की तरह ही, जैसे आप अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हो तो वैसे ही ऑपरेट करना है, तो ये काफ़ी इजी है। तो इसकी बात करूँ तो इसमें आपको स्टेरिंग व्हील के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो अगर आपके स्टेरिंग पे बटन्स वगैरह लगे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और तो वह सबसे ज़्यादा इसका मुझे प्लस पॉइंट और जो फीचर भी हम उसको बोल सकते हैं कि वो लगता है कि जो इसमें ऑडियो, जो भी ऐप आप इंस्टॉल करके चला सकते हो और कोई भी ऑडियो वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम यूट्यूब पे, मैं आपको इसकी ऑडियो चेक करवा देता हूँ एक बार कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये आपको साइड पर बटन्स दिए गए हैं जिससे आपकी वॉल्यूम अप कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। ये बैक करने का ऑप्शन दिया है, और ये बिल्कुल क्लोज करने का ऑप्शन दिया है, और यहाँ से ऊपर जो बटन है यहाँ से आप दोबारा आप अपना खोल सकते हो जो भी आपने किया। तो अभी आपको मैं वॉइस चेक करवा देता हूँ इसकी। तो गाइस, मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी काफ़ी पसंद आई है। आप देख सकते हो कि यहाँ से आप इसकी वीडियो को जब बढ़ाओगे, क्वालिटी को एडवांस करोगे, तो काफ़ी इम्प्रूव्ड इसकी वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, देख सकते होगी। कैमरे में आपको इतना नहीं जस्टिफाई करेगा कैमरा आपको इसकी क्वालिटी का, लेकिन मैं अपने पर्सनल कहूँ तो काफ़ी अच्छी इसकी वीडियो क्वालिटी है। अभी मैं इसकी बेस को ऑफ करके ही आपको सुना रहा हूँ, अभी इसकी बेस को ऑन करके सुनाता हूँ आपको वॉइस, तब आप देखना। अभी मैं बात कर लूँ इसकी तो ये आपको सारा सेम ही मिलेगा, बस आपको ये जो फ्रेम इसका दिया हुआ है ऊपर से लेके यहाँ तक, ये आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से फ्रेम मिलेगा। तो इसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, तो जैसे कि आपके पास अगर स्विफ्ट है तो उसके हिसाब से बनेगा, तो मेरे पास जैसे कि अल्टो K10 है तो मेरा जो वो लगा है एंड्रॉयड सिस्टम तो काफ़ी नीचे लगा है, तो इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस एक वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए थी, और तो बाकी तो ये ऑक का जो झंझट था वो ख़त्म हो गया, तो ठीक है इतने में हो जाएगा। और इसका जो फ्रेम है आपको दिखा देता हूँ नीचे से, तो ये आपको 500 का पड़ेगा, मुझे 500 का पड़ा है। बाकी अगर आप कोई और गाड़ी का लेवाते हो तो उसका पता नहीं कितना प्राइस है। तो यही थे इसके फीचर्स, और काफ़ी इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बाकी आप इसमें ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ,
और आपको इसमें साउंड की कुछ ऐसी सेटिंग्स मिल जाती हैं, इससे आप अपनी जैसे भी आप अपनी साउंड की सेटिंग रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। और बाकी आप कोई भी ऐप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको इसमें म्यूज़िक भी मिल जाता है, म्यूज़िक का ऑप्शन भी इसमें, आप म्यूज़िक को अपना डाउनलोड भी कर सकते हो, वीडियोस को भी रख सकते हो, लेकिन इसकी जितनी मेमोरी है उतनी उसके हिसाब से ही आपको इसमें रखना पड़ेगा। और इसके मैप्स को भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसकी इसमें आपको थीम्स भी मिल जाती हैं काफ़ी, जिसको आप डाउनलोड करके अपनी जो थीम्स है उसको भी चेंज कर सकते हो। और मैप्स के मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैप्स की क्वालिटी कैसी है। तो इसका ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आप ऐसे मैप्स पे अपनी लोकेशन लगा के अपनी ड्राइव को एंजॉय कर सकते हो। और तो इसकी और तो मैंने आपको इसके सारे फीचर्स बता ही दिए हैं, अगर आपको कोई फीचर्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और इसमें आपको दो इसकी मिल जाती हैं यूएसपीज, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दो इसकी यूएसपीज मिल जाती हैं, तो इसमें आप अपनी पेन ड्राइव कुछ भी लगा के इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी कल ही अपना बैक कैमरा इसमें लगवाया, तो मैं आपको वो भी डाल के दिखा देता हूँ कि बैक कैमरा भी इसमें कैसे वर्क करता है। तो सिंपली आपको रिवर्स गियर डालना है तो आपका कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि ऐसे आपका कैमरा वर्क करता है और आपको पीछे का पूरा व्यू देगा। के प्राइस के बारे में बात करूं तो काफ़ी अच्छे प्राइस में ये मुझे मिला है। तो इसकी मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये सिर्फ आपको मुझे मिला है 4200 का, तो जिसमें कि आपको माइक भी मिल जाता है। तो इसका जो फ्रेम है उसका प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका 500, और जो मैंने इसकी इसकी जो लेबर दी थी मतलब इसकी फिक्सिंग के जो प्राइस दिया था वो मैंने जो फिक्सिंग के पैसे दिए थे वो मैंने 300 दिया था, तो टोटल ये मुझे 5000 का पड़ा है। तो जो कि बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपनी गाड़ी में एंड्रॉयड सिस्टम लगवाना चाहते हो तो मतलब बिल्कुल जा सकते हो, आजकल प्राइस इतना नहीं है, अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको मैंने जो बताया था कि अगर आप लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बना दूंगा लोगों पर भी, तो आपको बता दूंगा कि कैसे मैंने लोगो इसमें करा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, मुझे थोड़ा सा 4-5 घंटे लग गए थे जरूर इसका लोगो डालने में, लेकिन तब मुझे पता नहीं था। तो मिलते हैं ऐसी नई अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।